हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से। वी हैव अ वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, हमें ज्वाइन किया है नदीम मौलवी साहब ने, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद है अदनान पराचा साहब, आप न्यूली इलेक्टेड वाइस चेयरमैन है प्योपा के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तो मैं प्रोग्राम के बाकायदा आगाज में, खान साहब, एक तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना नेसेसरी है, दूसरी तरफ ओवरसीज जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर भी नजर डालना जरूरी है, तो कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जहाँ पे बात हो रही है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की, तो हमारी हमेशा से जो सपोर्ट रही है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट में हमारी गल्फ स्टेट्स की है, और गल्फ स्टेट्स में जो हमारी ओवरसीज के लिए हो या दूसरे जो भी सेक्टर हो या बेल आउट प्लान हो, सऊदी अरेबिया ने हमेशा हमें सपोर्ट की है, सऊदी गवर्नमेंट ने हमेशा सपोर्ट की है। अब मैन पावर के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो हमारी अब तक फ्रॉम जनवरी टिल अगस्त हमारी जो वर्कफोर्स 4,60,000 गई है, उसमें से 2,70,000 जो 60% बनता है वर्कफोर्स का, हमारा सऊदी साइड पे गई है, सऊदी अरेबिया में। और सऊदी गवर्नमेंट ने हमेशा हमारी वर्कफोर्स जो है, स्पेशली हमारी जो ब्लू कॉलर है, ग्रे कॉलर है, उसको हमेशा सपोर्ट किया है, और हमारे स्किल्ड और अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो वर्कफोर्स है उनका ज्यादातर रुझान है ही सऊदी अरेबिया के साइड पे। सऊदी गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, हमारे जो सऊदी मिशन जो है यहाँ पे पाकिस्तान में, उन्होंने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट की है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा वर्कफोर्स का जो ट्रेंड है, जो कि हमारा पिछले सालों में आज से 3 साल पहले 4 साल पहले डिक्लाइनिंग फेज पे जा रहा था, अब हम 8 लाख की बात करते हैं, 9 लाख की बात करते हैं या 12 लाख की बात करते हैं, तो ये ट्रेंड बहुत अच्छा है। हमारी ये जो वर्कफोर्स जो है आपके स्पेशली सऊदी अरेबिया और दूसरे गल्फ ममालिक में जाके, तो ये रेमिटेंस जनरेट करते हैं जो कि आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, और जहाँ पे इकोनॉमी की सपोर्ट है तो आपके वर्कफोर्स के जो मेजर जो शेयर होल्डर है जो आपके रेमिटेंस के, वो हमारे सऊदी अरेबिया से ही है। 25% हमारा जो वर्कफोर्स के जो रेमिटेंस है वो हमारे सऊदी अरेबिया, और बाकी जो हमारे 25 से 30% है वो हमारी गल्फ स्टेट की तरफ से जनरेट होती है। आने वाले वक्त में मैं ये समझता हूँ कि वर्कफोर्स की तरफ अगर तवज्जो दी जाएगी, जैसे कि SIFC ने भी आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लोकली और इंटरनेशनली उसके ऊपर जो फोकस किया हुआ है, और जो इस टाइम पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि 2025 से ऑनवर्ड जो है हमारी वर्कफोर्स एक्सपोर्ट का बिजनेस ज्यादा बूस्ट भी करेगा, और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर ये हमारी जो प्योपा है और हमारी जो एसोसिएशन है, इंशाल्लाह ताला वो सपोर्ट भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारी HR मिनिस्ट्री को इस टाइम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया जो नेगेटिविटी जो हमारे लिए जो एक हाईलाइट किया गया है कि जो भीख मांगते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब तो सोशल मीडिया पे भी थोड़ा सा एक अवेयरनेस तो आ गई है, तो लोग जो पिक्चर के साथ कुछ भी लिख दिया करते हैं उन्हें पता है कि ये फेक न्यूज क्या है और ओरिजिनल क्या है। ये अवेयर देखिए, ये जो है डिजिटल चैनल्स आपके मीडिया ने ही ये चीज हाईलाइट की है, और हमारी एसोसिएशन की तरफ से हमारे ब्यूरो की साइड से भी ये चीज हाईलाइट की गई है, जिससे ये कि लोगों के अंदर अवेयरनेस अब ज्यादा आ गई है, और ये बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है हमारी यूथ के लिए। जो हमारे यूथ जो है नेगेटिविटी की तरफ जा रही थी और वो छोटी सी चीजों को ज्यादा हाईलाइट कर दे, उस चीज से उस फ्रेम से हम निकल रहे हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि हम पाकिस्तान के लिए महंगा, हम ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स या हमारी एसोसिएशन या हमारा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, हम क्या इसके अंदर क्या क्या चीज जनरेट कर रहे हैं, क्या वर्कफोर्स भेज रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें सपोर्ट करें तो हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर बहुत अच्छा किरदार अदा करेंगे, और रेमिटेंस को 40 बिलियन डॉलर पे भी लेके जाएंगे। 40 बिलियन डॉलर पे इस ईयर इम्कान आपको लगते हैं? जी मैं समझता हूँ कि 2024-2025 फिस्कल ईयर में हमारे जो इस टाइम पे जो हमारी जो REI पर मंथ 4 महीनों से हमारी जो रेमिटेंस टारगेट रेमिटेंस 3 बिलियन से प्लस जा रही है, तो अगर इसी रेशियो को देखा जाए या प्लस माइनस देखा जाए तो 33 से 34 बिलियन डॉलर का हमारी रेमिटेंस कंफर्म है। और जो हमारे SIFC ने या हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया डिजिटल मनी ट्रांसफर का,
गल्फ स्टेट्स के साथ मिलते हैं, बोनारास के साथ मिलते हैं, तो उससे भी आपकी रेमिटेंसेज के अंदर इजाफा आएगा। उसमें इंसेंटिव बेस्ड कर दिया गया है, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो रह रहे हैं तो वो वहां से करेंसी के हवाले से पूछूंगी अदनान साहब, एजुकेशन कितना मैटर करती है, और खासकर वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो ऑलरेडी मौजूद है, जिनको सर्टिफिकेशन चाहिए, जिनको उनके सैलरी पैकेज या हम कह सकते हैं जो पर वेजेस जो होते हैं उसमें थोड़ा सा इजाफा चाहिए, तो क्या करना चाहिए उन्हें। और दूसरा ये कि खासकर जो हमारे गल्फ कंट्रीज के अंदर जो करेंसी यूज हो रही है उसके बारे में बताएं, और उस करेंसी के अंदर क्या क्या उस बास्केट में कौन कौन सी करेंसीज मौजूद हैं। देखिए जी, बहुत अच्छा ये सवाल है, और इस चीज को हमने पहले भी हाईलाइट किया है कि हमारी वो वर्क फोर्स जो कि हमारे गल्फ स्टेट के अंदर स्पेशली, क्योंकि हमारा 80-85% हमारे वर्क फोर्स है ही गल्फ साइड की, जो कि वो स्किल्ड भी है, हाईली स्किल्ड भी है, लेकिन सर्टिफाइड नहीं है वहां पे, उसको हम सर्टिफाइड कर सकते हैं। और इस सिलसिले में मिनिस्ट्री से और दूसरे डिपार्टमेंट से हमारी बातचीत चल रही है कि ताकि उनको हम वहीं पे रहते हुए हम उनको सर्टिफाइड करें, सर्टिफाइड करके ताकि वो अपनी सैलरीज को अपग्रेड कर सकें, क्योंकि हमारा क्योंकि उनको अपग्रेड करने से, सर्टिफिकेशन देने से उनके लिए आपके यूरोपियन साइड के दरवाजे भी खुल जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा वहां पे जो हमारे स्किल्ड या हाईली स्किल्ड जो वर्क फोर्स है नॉर्मली वो सर्टिफाइड नहीं है, जो आज से कुछ साल पहले गई थी। अब जितनी भी वर्क फोर्स जा रही है उसके अंदर जो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो प्लान्स जनरेट किए गए हैं और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट वगैरह स्किल डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहे हैं, तो अब सर्टिफिकेशन यहाँ से हो रही है, और अभी आपका 80-90% जो स्किल्ड वर्क फोर्स जा रही है वो सर्टिफाइड होकर जा रही है। हमारी वो वर्क फोर्स जो आज से 4-5 साल पहले गई थी या पिछले सालों में, वो हमारी सर्टिफाइड नहीं है, उसको हमने वहीं पे सर्टिफाइड करना है ताकि उनकी अपॉर्चुनिटीज वहां पे बढ़ जाएं और उनकी सैलरी पैटर्न भी बढ़ जाए। आपकी वहां से हमारी रेमिटेंसेज बढ़ेंगी, हमारे रेमिटेंसेज का मेन चंक है आपकी गल्फ स्टेट्स है या आपका यूके वाली स्टेट्स है। नहीं, गल्फ स्टेट्स की तरफ से हमारी रेमिटेंसेज ज्यादा था, 25% लेबर कैटेगरी है ना वहां पर। देखिए, लेबर कैटेगरी को जब आप सर्टिफाइड कर देंगे, ठीक है, लेबर कैटेगरी हमारी, ये अवेयरनेस उनके पास मौजूद है या ये सिर्फ अभी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है उनके। देखिए, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट को उनको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, हमारे सऊदी गवर्नमेंट। सर्टिफिकेशन को इंडिविजुअल प्राइवेट तो नहीं मानेगा, नहीं, ये वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एग्जैक्टली, देखिए हमारी एचआर मिनिस्ट्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस इनिशिएटिव लेंगे तो आपकी सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से बात करेंगे, यूएई से बात करेंगे, जितने भी हमारे गल्फ स्टेट्स में। आप जब बात करते हैं ना लेबर की, आज से 10 साल पहले जो लेबर गया था वो अब अपनी कंस्ट्रक्शन फील्ड का मास्टर बन गया, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है कि वो 1200-1300 दिरहम या रियाल के अंदर सैलरी जो जॉब वो कर रहा है, उसको सर्टिफिकेशन से वो 1800-2000 कर सकता है। अच्छा, एक बात बताएं कि यहाँ पे जो अगर थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या कंस्ट्रक्शन कैटेगरीज को देखें, तो क्या हमारे पास वो लेबर जो कि अब एक्सपर्ट बन गया है, यू आर सेइंग दैट, तो क्या वो अब इस हम कह सकते हैं जिस कैटेगरी में पाकिस्तान में काम होता था उसी कैटेगरी को लेके तो नहीं चलते, वहां पे तो कुछ ड्राइंग होती है और उसी को लेके चला जाता है, तो क्या वो इसको आराम से उसमें मिंगल हो गया है या फिर अभी भी उसमें भी कुछ सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस चीज पे हमारे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट, हमारे जो हमारे सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट साइड के जो इंस्टीट्यूट है उस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमारी वर्क फोर्स अब जो जा रही है उनके जो फाइनल एक टेस्ट होता है उस टेस्ट को आपके इंटरनेशनल म्यार कहाँ कंडक्ट किया जाएगा, वो पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं हमारे जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने जो अपॉइंट किए हुए हैं यहाँ पे टेस्ट सिस्टम सेंटर जो अपॉइंट किए वहाँ पे ये टेस्ट हो रहा है ऑलरेडी। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि अब उसके अंदर और ज्यादा बढ़ाने चाहिए वो सेंटर्स वगैरह, आपके मुख्तलिफ छोटे छोटे शहरों में भी उनको बढ़ाया जाए ताकि हमारे जो वर्क फोर्स जो हमारे छोटे शहरों में है उनको आपको अप्रोच करना पड़ेगा। हमारे बेसिकली हमारे जो वर्क फोर्स जा रही है बड़े शहरों के सराउंडिंग एरिया से ज्यादा जाती है, हमारे जो जनूबी पंजाब या दूसरे साइड के जो शहर हैं छोटे शहर वहां की वर्क फोर्स को उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, हालांकि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन वो हार्ड वर्किंग है, वो चाहती है कि वो ओवरसीज जाए, हर घर में से एक बंदा तो बाहर जाए और अपना करियर बनाए किसी न किसी तरीके से, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। अच्छा, हमारे यंगस्टर जो हैं, जो हमारे यू नो वो बिल्कुल यंग ब्लड हैं, वो चाहते हैं अपना करियर स्टार्ट करें, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म भी नहीं है और दूसरा उनके पास अवेयरनेस भी नहीं है कि करना क्या है, बस उन्हें बाहर जाना है, तो क्या करना है ये बताना जरूरी है।
देखें इसके लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो हमारा जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, मैं तो तमाम जो यूथ है हमारे जो कि स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, एजुकेटेड है, जो कि या अनएम्प्लॉयड है, कितने भी है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट को विजिट करें। वहां पे पूरे पाकिस्तान के जितने भी ओवरसीज प्रमोटर्स हैं उनके पास जो भी डिमांड जिस भी मुल्क से आती है विद सैलरीज वो सब चीज और विद कॉन्टेक्ट नंबर्स वो मेंशन होता है। उस ओवरसीज प्रमोटर को कॉल करके वो और वहां पे वो लाइसेंस है सारे प्रमोटर, टोटली लाइसेंस है और जो डिमांड भी जनरेट करके वो लाते हैं। एक बार फिर आप हमारे व्यूअर्स को बता दें। आप जी मैं ये कहूंगा कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उसको विजिट करें, उसमें हमारे अक्रॉस द पाकिस्तान जितने भी अप्रूव्ड लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनके पास जितनी भी डिमांड आ रही है डेली बेसिस पे वो अपलोड हो रही होती है। वो जब अपलोड होती है तो हमारा जो भी यूथ जो है जो स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, एजुकेटेड है, न्यूली ग्रेजुएट है या अनएम्प्लॉयड विद नो एक्सपीरियंस, विद इवन नो एक्सपीरियंस, देखिए बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं मांगते लेकिन वो एजुकेटेड बच्चा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी पढ़ा लिखा बच्चा दे दें, स्मार्ट बच्चा दे दें जिसको इंग्लिश आती हो या जिसको अरबिक आती हो, मल्टीलिंगुअल हो जी, तो वो उसको अप्रोच करें, उस ब्यूरो की साइट पे जाएं, उस लाइसेंस होल्डर को अप्रोच करें और अपना इंटरव्यू दें। मुख्तलिफ शहरों के अंदर हर शहर पूरा एड्रेस पूरा कॉन्टेक्ट नंबर के लिए मेरे पास एक और सवाल है, कुछ ही मिनट से मैं चाहती हूँ आप यंगस्टर्स को बताएं, खासकर जो हम बात कर रहे थे, एक तो हम स्किल्ड लेवल की बात कर रहे थे, दूसरा जब वो करियर बनाना चाहते हैं अपने उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो सिर्फ क्या वही ऑप्शन है हमारे पास कि हम एक वेबसाइट पे आपने बताया जो कि जाएं और अपने तमाम जो हमारे पास ओवरसीज प्रमोटर्स हैं उनसे बात करें, या फिर जो खासकर जिस कंट्री को कोई करियर बनाना चाहता है जहां जाना चाहता है उसको टारगेट करें, उसकी लैंग्वेज को सीखें, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके फिर जाएं जैसे कि नदीम साहब ने कहा। जी देखिए जो ब्यूरो की साइट है, वेबसाइट है, वहां पे हर मुल्क की डिमांड जो है वो शो होंगी, जिस भी प्रमोटर के पास, ओवरसीज प्रमोटर के पास जिस भी मुल्क की है, आपके गल्फ स्टेट्स की भी है, यूरोपियन कंट्रीज की भी है, जापान की भी है, हर मुल्क की जितनी भी परमिशन हम लेते हैं वो परमिशन गवर्नमेंट ऑफिस से लेके तो वो ब्यूरो की वेबसाइट के ऊपर उसी दिन वो अपलोड हो जाती है। मैं तो इस टाइम पे उस ब्यूरो की वेबसाइट को विजिट करें, हमारे जो नॉन न्यूज़पेपर्स हैं नेशनल लेवल के उसमें जितने भी ओवरसीज प्रमोटर्स को परमिशन मिलती है उसमें एडवर्टाइज करते हैं, थ्रू एडवर्टीजमेंट वो जाकर देख सकते हैं, आपका वेबसाइट विजिट करके जा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि वो किसी एडॉप किसी नेगेटिव चीज में ना पड़े। देखिए मैं हम ये चाहते हैं बीइंग अ प्योपा और ओवरसीज प्रमोटर्स कि वो प्रॉपरली सही प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएं। हमारे यहाँ पे हो क्या रहा है कि एजेंट माफिया और दूसरी चीजें नेगेटिविटी सोशल मीडिया के ऊपर भी इस मुल्क में चले जाएं, इतने में चले जाएं, वो चीज बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर उन्होंने ना वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गई, उसके अंदर बहुत ज्यादा बूस्ट पकड़ लिया। हम कहते हैं कि थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं और जिस मुल्क में भी जाना है उस मुल्क की सोशल वैल्यूज को, नॉर्म्स को समझें। गल्फ स्टेट्स के अंदर जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपका सऊदी अरेबिया है, यूएई है, तो ये दे आर वेरी कीन कि आप यहाँ पे आके उसी जो है एम्प्लॉयमेंट वीजे पे आए, ना कि आप दूसरे वीजों पे जाएं, आप एम्प्लॉयमेंट वीजे पे जाएं और नेक्स्ट डे आप अपनी जॉब पे जाएं ताकि आप पाकिस्तान का कैपिटल और एसेट बने। इसी तरह जैसे पाकिस्तानी एक एम्बेसडर भी बने। एग्जैक्टली देखिए एम्प्लॉयमेंट वीजे पे जितने भी हमारी वर्कफोर्स जाती है वो भीख नहीं मांगती, वो तो नेक्स्ट डे आपकी जॉब पे जाती है और सैलरी जनरेट करती है और पाकिस्तान अर्न करती है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पाकिस्तान के यूथ के अंदर ये चेंज करने की जरूरत है कि हम समझते हैं जितने भी बाहर जा रहे हैं तो वो सब एक यूथ इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, वो चाहती है, उनको पता है कि कार्ड से पेमेंट करनी है, उसको पता है कि टैक्स फाइल करना है, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। जी मैं कहता हूँ कि वो आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाए। दूसरी चीज जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं या हमारा जापान का सेक्टर जो अभी हमारा स्टार्ट हुआ है उनकी रिक्वायरमेंट है वहां की बेसिक लैंग्वेज, आप स्किल्ड हो, सर्टिफाइड स्किल्ड वर्कफोर्स पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ कंपनीज में काम कर रही है, जो नया ग्रेजुएट है, और वहां की बेसिक लैंग्वेज के वो लेवल्स, वो 4 से 6 महीने अगर वो सीख जाएगा तो उसके लिए बहुत आसान होगा उस मुल्क में जाना और वहां पे आपकी रेमिटेंसेस की आपकी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जापान के अंदर देखें 2000 US डॉलर आपकी बेसिक सैलरी है लेबर की,
वहाँ पे लेबर की $2000 है जो कि पाकिस्तान, और फिर अगर आपको ये अगर और अगर एजुकेशन में आईटी में आपका शिपिंग में हॉस्पिटैलिटी में आपका नर्सिंग में आपकी हर फील्ड के अंदर वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली हमें प्रॉपरली अब वे तो प्रॉपरली प्लेटफॉर्म के थ्रू जाने और उनकी चीजों को हमें समझना है कि मैंने किस मुल्क को अनऑफिशियल चैनल को नहीं करना, कोई आपको मैनिपुलेट करे आपसे पैसे ले ले मैं आपको भेज दूंगा बाहर और ये कर करा के। देखिए उससे तो आपका मुल्क का नाम खराब होगा, हमें तो मुल्क के नाम और आपको भी नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। देखिए नुकसान एक अलग चीज है, आप सबसे पहले बीइंग अ पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू और पाकिस्तानी होना सीखें। हमें अगर जब हम वो सीख लेंगे तो हम कभी भी न मुल्क का नुकसान करेंगे न अपना नुकसान करेंगे। देखिए अनऑफिशियल चैनल से जाने में सारे नुकसान मौजूद है, आपको जेल भी हो सकती है, आपकी जान का खतरा भी हो सकता है, बहुत सारे पास के अंदर बहुत सारे इशू है, तो हमें इसको पॉजिटिविटी की तरफ देखना पड़ेगा। लास्ट भी हमारे पास आई थिंक हुआ भी था एक 2 साल पहले। जी 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 हमारा इधर हुआ था आपका यूरोपियन साइड पे जो जाते हैं। मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और अपने एचआर मिनिस्ट्री से कि यूरोपियन कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट्स करें, हम एमओयू तक चल रहे हैं एग्रीमेंट्स की तरफ नहीं आ रहे, उनको बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव हम अगर एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करें अपनी वर्क फोर्स के हवाले से बात करें तो किस कंट्री के साथ है? देखिए हमें हमेशा से सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया है right. और हमारे रेमिटेंसेस का जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 25 से 27% सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उधर से आता है, हमारी वहां की वर्क फोर्स है और हमारे वर्क फोर्स के साथ एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी हमेशा हमारा दूसरा घर है। बिल्कुल सऊदी हमारा दूसरा घर है, उनके मिशन ने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने सपोर्ट किए। उसके अलावा हमारी जो अब यूरोपियन कंट्रीज भी खुलेंगी, आपका यूई का सेक्टर बहुत अच्छा है, कतर गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, तो ये हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, नेबर की जितनी भी हैं, हमें सपोर्ट ही मिली है और मैं ये चाहता हूँ कि हम इस वर्कफोर्स को 12 से 13 लाख अगले साल में लेके जाए ताकि हम रेमिटेंसेज को जो हमारा टारगेट है, जो हमारी एक होप है कि हम $40 अरब पे लेके जाना है अगले साल लेके जाए ताकि हम आपकी इकोनॉमी के अंदर अपना जो पार्टिसिपेशन है नंबर वन पे देखना चाह रहे हैं। वेल आपने डिटेल बात की, मैं नदीम मौलवी साहब से पूछना चाहूंगी, हमारे पास 10 कंट्रीज जो हैं वो ज्यादा हमें सपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली यस हमारे रीजन में भी हैं, हमारे एक रिलीजियस चेक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब क्या लगता है आपको कि एक तरफ हमारे पास जो रेमिटेंसेस $30 बिलियन के, मान लीजिए $30 बिलियन अगर हैं, तो कितना गल्फ कंट्रीज से आता है? देखिए हमारा तकरीबन आप ये समझ लें कि 60% जो हमारा है वो गल्फ कंट्रीज से आ रहा है और गल्फ कंट्रीज के अंदर भी हमारा सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और बहरीन, ओमान वगैरह है, तो यहाँ से हमारा ऑलमोस्ट तकरीबन $2 अरब जो है वो आपका ऑन मंथली बेसिस वो हमारे गल्फ स्टेट्स की तरफ से रेमिटेंसेज आ रही है और बाकी आपके यूके की साइड से भी रेमिटेंसेज आती है, यूएसए की साइड से और दूसरे आपके यूरोपियन कंट्रीज है, लेकिन मेन हमारा चंक जो है गल्फ कंट्रीज है और गल्फ कंट्रीज के अंदर मेन चंक हमारा फर्स्ट नंबर पे सऊदी अरेबिया और हमारा फिर यूएई है। वेल थैंक यू सो मच अदनान साहब ने ज्वाइन किया, नदीम मौलवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, खासकर टैक्सेस के हवाले से भी और ओवरऑल इकोनॉमिक रिवाइवल जो खासकर आईएमएफ के प्रोग्राम के अनलॉक होने के बाद हुआ है, सो इट्स वेरी यू नो एक गुड थिंग कि यहाँ पर चीजें जो है वो अलाइन हुई और अलाइन होने के बाद इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हुई। दैट्स इट, इसी में प्रोग्राम को एंड अप करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।